नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मतदाता जागरूकता पर, वोटर अवेयरनेस पर, और इस पे बातचीत करने के लिए हमने आज अपने स्टूडियो में बुलाया है नीलू मिश्रा जी को, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय एथलीट हैं और जिनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वाराणसी जनपद के मतदाताओं को जागरूक करने हेतु अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। और वह इस क्षेत्र में काफ़ी टाइम से बहुत काम करती आ रही हैं और आगे भी काम करती रहेंगी। नीलू मिश्रा जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे इस शो पे। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि मतदाता जागरूकता अभियान ये क्या चीज़ है, इसके तहत आप क्या कार्य करते हैं? हम लोग पिछले 2011 से स्वीप एक कार्यक्रम है, सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, यानी कि सहज रूप से मतदाता की सहभागिता जी। तो इसमें हम हर वर्ग के लोगों को इंक्लूड करते हैं, चाहे वो युवा हो, महिलाएं हो, वृद्ध जन हो, चाहे हमारे दिव्यांग जन है या थर्ड जेंडर है, आर्मी फोर्सेस है, नेवी के लोग हैं, एनआरआई वोटर्स हैं, तो सबकी सहभागिता इसमें होनी चाहिए, 100% पार्टिसिपेशन, चाहे वो मतदाता बनने से लेकर के है या वोट देने तक। तो उस प्रोसेस को शुरुआत करते हैं। आजकल जो हम लोग विशेष कार्य चल रहा है ELC का, हमारे क्लब बने हैं, साक्षरता क्लब बनाए गए हैं स्कूलों में। हाँ। तो उसमें 14 साल से 17 साल तक के बच्चों को भी हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं कि उनको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, बकायदा उनके कॉम्पिटिशन्स होते हैं, क्वेश्चनेयर होते हैं, डिबेट होते हैं। हाँ। तो एक बच्चों के मन में शुरुआत से ही एक भावना बनाना कि कैसे आप मतदाता बनेंगे, मतदाता बनने का महत्व क्या है, और फिर उसके बाद वोट देने का महत्व। जब वो फिर हायर एजुकेशन में आ जाते हैं तो उनको पूरा प्रोसेस बताया जाता है कि वो वोटर कैसे बने, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। तो ये बहुत ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बहुत ही अच्छा शुरुआत किया है, और ग्रामीण स्तर पे VLO के माध्यम से एक चुनावी पाठशाला शुरू की गई है। हाँ। चुनावी पाठशाला में जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं या इस ड्रॉप आउट बच्चे हैं, उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है, उनको अलग अलग पोस्टर्स वगैरह के माध्यम से, कॉम्पिटिशन के माध्यम से बताया जा रहा है कि कैसे वोटर बने, और हर वर्ग के लोगों के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं ये भी जानकारी दी जाती है। तो वो बच्चे हमारा मतदाता जागरूकता में बहुत सहयोग करते। तो ये जब इतनी बड़ी सुविधाएँ हम लोग करें तो मतदान का महत्व हर व्यक्ति को पता चले और वोट देने जाए, मेन प्रचार हम लोग का ये स्वीप कार्यक्रम का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, यह है कि निडर होकर, निर्भीक होकर के और फ्री होकर के मतदान करने जाए। तो भारत में किन लोगों को मतदान करने का अधिकार है? देखिए, जिनके सबसे पहले जो जिनकी उम्र 1 जनवरी को 18 साल जो बच्चे पूरे कर रहे हैं वो एलिजिबल है, और हर वर्ग के लोगों को है, बस वो पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए। बाकी मतलब उनकी जो भी 18 वर्ष की उम्र जिन्होंने पूरी कर ली है, कोई भी व्यक्ति मतदाता बन सकता है। जी जी, मतलब एक तो वो डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए और एक उनकी मानसिक स्थिति जो है वो नॉर्मल होनी चाहिए, मतलब वो सही होनी चाहिए। हर साल एक जनवरी अठारह जो पर्टिकुलर ईयर होता है जिसमें 18 साल पूरा कर रहे हैं वो वोटर बन सकते हैं। वो तुरंत ऑनलाइन कभी भी आवेदन करें तो उनका नाम लिस्ट में जुड़ जाएगा। तो हमने ये देखा कि एक तो मानसिक स्थिति सही होनी चाहिए, उन्हें मालूम होना चाहिए वो क्या कर रहे हैं, पागल या दिवालिया नहीं, और दूसरा कि वो डिफॉल्टर नहीं होनी चाहिए, दिवालिया नहीं होने चाहिए, और तीसरा कि पहली जनवरी को, हर साल पहली जनवरी को मतदाताओं की जो उम्र है वो 18 साल या 18 साल से ऊपर की होनी चाहिए। बिल्कुल। तो मताधिकार को लोकतंत्र के आधार के रूप में आप किस प्रकार देखती हैं? देखिए, मताधिकार ही एक ऐसा अधिकार है स्पेशली वुमेन के लिए इंडिया में, कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहाँ महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं है। जी, तो जी। सबसे बड़े प्राउड की बात है कि हमारे भारतवर्ष में महिलाओं को ये अधिकार दिया गया, क्योंकि महिलाओं के ऊपर जो जिम्मेदारियाँ हैं घर की और बाहर की, वो बहुत अच्छे से सोच विचार कर सकती है और सही व्यक्ति को लाने में उनके अंदर क्षमता होती है। तो मताधिकार हर व्यक्ति, चाहे युवा हो, वृद्ध हो, किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, अगर वो वोट देता है तो सबसे पहले उसको सेटिस्फेक्शन रहेगा, और आने वाले 5 साल के लिए वो
ब्लेम नहीं कर सकता किसी के ऊपर। अगर हम वोट नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं जिस अच्छे व्यक्ति को हम लाना चाहते हैं वो चीज़ नहीं सामने आएगी। बस वो गिने हुए, कुछ गिने चुने हुए व्यक्तियों का एक बस लीडर आ जाएगा। जब तक 100% वोटिंग नहीं होगी तब तक हम सही चीज़ सामने नहीं ला सकते। और वोट देना हर व्यक्ति का राइट है। जैसे हम नॉर्मल खाना पीना खाते हैं या अपनी दिनचर्या करते हैं, उसी दिनचर्या में 5 साल में एक बार हम लोग को मौका मिलता है कि हम, और छुट्टी भी मिलती है तो उसको छुट्टी की तरह ना मनाएं। मतलब मताधिकार का ये चीज देखने में आई है कि जैसे जिस दिन मतदान किया जाता है बहुत सारे लोग एक बहाना ले लेते हैं कि छुट्टी है, अरे चलो छुट्टी हो गई, क्योंकि गवर्नमेंट सरकार जो है उस दिन हर चीज बंद होती है, सरकार कार्य जो कार्यशैली है उसको बंद कर देती है। देशभक्ति की भावना तो लोगों के अंदर हर तरह से कूट कूट के भरी है, लेकिन देशभक्ति की भावना 5 साल में एक बार 1 घंटे के लिए मौका मिलता है कि जाकर के अपनी अच्छी सरकार चुनो, ताकि हम अपने राष्ट्र के विकास के लिए, अपने समाज के लिए, अपने जिले के लिए अच्छे व्यक्ति को लाएंगे तो निश्चित ही अच्छी योजनाएं आएंगी और अच्छी चीज होगी। तो उसके लिए एक मतलब मताधिकार का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। और एक प्राउड टू बी ए वोटर, अपने आप को एक गौरवान्वित मतदाता बना करके अगर हम वोट देने जाएंगे तो निश्चित ही हम अच्छे व्यक्ति को चुनेंगे। और एक और चीज, मैंने मेरी ही एक सहेली है, उनसे मैंने बोला कि अब चुनाव आने वाले हैं तुम किसको वोट दोगे, उन्होंने कहा हम नहीं देंगे। हमने कहा क्यों? बोले कि क्या फायदा है वोट देने का यार, कुछ भी कर लो, सब लोग ही ऐसे हैं। हम तो मेरे को ये सुन के मतलब नहीं, तो ऐसे लोगों के लिए भी ऑप्शन है नोटा बटन, लास्ट में नोटा बटन होता है कि नन अबव देम, कि आपको कोई पसंद नहीं है। अगर आपके जिले में सारे प्रत्याशी, आप सबके सबसे पहला देखें, मैं जो भी मतदाताओं को जब जागरूक करती हूँ कि वोट देने के लिए क्या सबसे पहले देखना चाहिए, पहले सबसे पहले जितने प्रत्याशी सबका आप एजुकेशन देखिए, सबके शिक्षा का, क्योंकि जो पढ़ा लिखा रहेगा तो निश्चित ही वो अच्छी सोच रखेगा। और उसके बाद पिछला बैकग्राउंड क्या है, थर्ड उसका एजेंडा क्या है। क्योंकि कभी भी वोट देने के पहले हम किसी पार्टी के लिए नहीं बात करते हैं, हम सबसे पहले एजेंडे को देखेंगे कि उसका एजेंडा क्या हमारे समाज के विकास के लिए तो अच्छा है। तो उससे भी आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी एक अच्छे व्यक्ति के चुनाव में। अगर कोई नहीं समझ में आता है तो आपके पास नोटा है, वो भी एक पावर है कि आप अपना विरोध जता सकते हैं कि हमारी पसंद का प्रत्याशी नहीं है। ठीक है। तो घर में ना बैठना है, बूथ पे जरूर जाना है। अगर आप किसी पार्टी को वोट नहीं देते तो आप नोटा ही दबाइए, लेकिन जरूर वोट देने जाएं। बिल्कुल। अच्छा, ये भी चीज देखने में आ रही है कि जैसे कुछ नए मतदाता होते हैं, माफ कीजिएगा, नए मतदाता होते हैं, वो वोट करने गए और उनको पता चला कि जो सूची है उसमें उनका नाम ही नहीं है। हाँ, तो ये प्रॉब्लम है, खाली नए मतदाताओं की नहीं है, सारे मतदाताओं की होती है। नॉर्मली जैसे पिछले इलेक्शन में हुआ था कि कुछ 11,000-1,200 वोटर्स एक बूथ पे रखने थे, तो कुछ वोटर्स को शिफ्ट कर दिया गया था जहाँ कम थे। तो इसमें जब सूची चस्पा की गई तो मतदाता उस दिन घर पे सोया था, BLO ने सूची चस्पा की पोलिंग बूथ पे, वो उन्होंने नहीं देखा। ऑनलाइन सुविधा दी गई है NVSP नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल पे, उस पे जा करके भी एक लाइन आती है कि अपना नाम सूची में देखें। तो सबके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल आजकल एंड्रॉयड मोबाइल, सब मैक्सिमम मेरे ख्याल से जो लोग फोन यूज कर रहे हैं, स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, तो उसमें कुछ भी नहीं है। NVSP नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल या भारत निर्वाचन आयोग के वेबसाइट पे आप जाएंगे तो नीचे लिखा रहेगा अपना नाम सूची में देखें। आपको कुछ नहीं करना है, अपना नाम, अपने हस्बैंड या पिता का नाम डालना है और डिस्ट्रिक्ट डालना, डेट ऑफ बर्थ डालनी है और विधानसभा डालना है। बस आप इतना डालोगे तो आपका पूरा क्रमांक संख्या, भाग संख्या, किस सीरियल नंबर पे, मतलब सबसे पहले आ जाएगा भाग संख्या, आपका वोटर आईडी नंबर, क्रमांक संख्या, किस सीरियल में है वो आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो। फिर वोट वाले दिन जो होता है ना कि वोटर पर्ची नहीं मिली और ऐसे दिक्कत आती है, तो आपका नाम आराम से मिल जाएगा। अगर इन केस, क्योंकि अभी हम नए वोटर्स बना रहे हैं, वो जिस दिन तक लास्ट डे जो हमारा रजिस्ट्रेशन होता है प्रत्याशियों का, नामांकन होता है, उसके एक दिन पहले तक वोटर बन सकते हैं। ये भी बात लोगों को नहीं पता होती है, तो अगर पहले से हम तैयारी करते हैं, शादी में घर में शादी पड़ती है तो कितनी सारी तैयारियां होती हैं। और ये देश का महात्यौहार है, इस इलेक्शन को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने देश का महात्यौहार के नाम से घोषित किया है। इस त्यौहार की तैयारी हर व्यक्ति को करनी चाहिए। तो सबसे पहला काम है
कि वोटर लिस्ट में एक बार नाम चेक कर लें अगर आप पहले रह चुके हैं। इन केस किसी कारण नाम डिलीट हो गया है, नहीं मिलता है, तो फिर से फॉर्म 6 भरें। ऑनलाइन आप भर सकते हैं, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल पे ही जाके फॉर्म 6 डाउनलोड करें। और नीलू जी, ये जो वेबसाइट आप बता रहे हैं, क्या ये थोड़ा धीरे से एक बार दोबारा रिपीट? नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल NVSP और दूसरा भारत निर्वाचन आयोग की साइट है, या CEO उत्तर प्रदेश, ठीक है, उनके भी वेबसाइट पे आप जाएंगे तो तीनों है। आप कहीं से भी मतदाता बनने के लिए ऑप्शन दिया, लेकिन NVSP वो डायरेक्ट लिंक जुड़ा होता हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर से, वो चेक कर लेता है। तो वहां पे अगर आपका नाम नहीं है तो फॉर्म 6 भर के अपने BLO को दें, या ऑनलाइन भर देंगे तो आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, तो आप वोटर बन सकते हैं। सब कुछ बहुत आसान है, बस थोड़ा सा कोई मेहनत नहीं करना चाहिए, बाकी काम के लिए दिमाग लगाता है, लेकिन एक छोटे से काम के लिए। आजकल लोगों को मैंने देखा, कुछ तो जो वोटर्स हैं 50% 55% वो रेगुलर देते आए, लेकिन जो बाकी छूटे हैं, मैंने फील्ड में जाके सर्वे किया तो वो एक डॉक्यूमेंट, एक दस्तावेज के रूप में वोटर आईडी खाली यूज कर रहे हैं, कि हमारी प्रॉपर्टी बची रहे और अपने आप को हम बस सेफ रखे रहे। मतलब वोट देना वो अपने आप अपना अधिकार और कर्तव्य नहीं समझते हैं, साबित हो कि हम यहाँ के नागरिक, हम भारत के नागरिक तो बन गए, बट नागरिक का कर्तव्य निभाने वाली अभी फीलिंग नहीं आई है। अगर आती तो मेरे ख्याल से जो ये पिछले चुनाव में हमारे वाराणसी में लोकसभा चुनाव में 58.33% था, वो 70-75% होता। मान ली 25% लोग बाहर गए हैं, पढ़ने बच्चे चले गए हैं, नहीं स्टूडेंट्स नहीं है, या जॉब कहीं बाहर कर रहे हैं, तो वो उनको अगर निकाल देते तो बाकी हमारे पास 15-20% हैं जो कि घर में सोए थे। एटलीस्ट उन सोए हुए लोगों को जगाना है, और बहुत ही आसान है। आप NVSP पोर्टल पे जाइए, आप नाम चेक करिए, अगर आपका नाम नहीं है तो आप दोबारा मतदाता बनने के लिए अभी भी अप्लाई कर दीजिए, अभी भी समय है। तो सुना दोस्तों, मतदाता बनने के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, और जैसे ही आपका नाम सुनिश्चित हो जाता है, वोट करने आपको जाना ही पड़ेगा, जाना चाहिए भी, ये आपका कर्तव्य है भारत के नागरिक होने के नाते। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी नीलू जी, आजकल VVPAT बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है, क्या है ये VVPAT? VVPAT ये वोटर्स वेरीफाई पर्ची मिलती है, उसमें आप जैसे किसी को भी वोट दिया, फिर छः सेकेंड में आपके स्क्रीन पे उस पार्टी का लोगो आ जाएगा। अच्छा, तो यू कैन सी देयर आपके उसी स्क्रीन पे। हाँ, अभी यहाँ बटन दबाए, साइड में एक छोटा सा स्क्रीन होता है राइट साइड में, तो आप देख सकते हैं कि आपने किसको वोट दिया। बीच में बहुत सारी चर्चाएं चल रही थी कि नहीं हैक कर लिया गया या गलत होता है, हम देते हैं किसी पार्टी को चलाता है वोट दूसरी पार्टी को, तो VVPAT एकदम क्लियर चुनाव, क्रिस्टल क्लियर चुनाव कराने के लिए VVPAT की सुविधा इस बार इलेक्शन कमीशन ने दी है, कि आप जिस प्रत्याशी को वोट देते हैं उस पार्टी का लोगो आपके सामने डिस्प्ले होगा। जी, ठीक है, तो आप इसके लिए सुनिश्चित हो गया कि आपने जिसको दिया उसी को आपका जो मत है जा रहा है, वो किसी और को नहीं जा रहा है। तो इसमें जो आपकी एक घबराहट है कि अरे सब करप्ट है और हम दे किसे रहे हैं, किसी को जा रहा है, वो भी जो है बहुत ही VVPAT या हमारा वोटर मशीन जो है इलेक्ट्रॉनिक मशीन बहुत ही सुरक्षित रहता है, उसको किसी ब्लूटूथ से नहीं जोड़ सकते, किसी भी इक्विपमेंट से नहीं जोड़ सकते कि हमारी सूचनाएं कहीं चली जाएं, बकायदा वो लॉक्ड रहता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका एकदम जैसे हैकिंग बिल्कुल नहीं हो सकती है, आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा VVPAT के माध्यम से आपने किसको वोट दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, आपका ये जो जागरूकता अभियान है, आपसे बातचीत करके मुझे इतना अच्छा लग रहा है। मैं हर साल वोट करती हूँ, हर 5 साल में मैं वोट ज़रूर करती हूँ हर बार। इस बार मुझे लग रहा है कि जो भावना है वोट करने की, वो आपसे बातचीत करके वो दुगनी होती जा रही है। मुझे लग रहा है हाँ, अब जोश के साथ जाना है और सोच समझ के वोट करना है। Correct. अपना योगदान देना है ताकि हमें भी उस चीज़ का आगे जाके फ़ायदा हो सके। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये जो जागरूकता अभियान है आपका, मतदाता जागरूकता अभियान, इससे अगर कोई जुड़ना चाहे तो किस तरह से जुड़े? अभी हम लोग जैसे स्वीप वाराणसी, सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, ये हम जिसके नोडल हमारे मुख्य विकास अधिकारी हैं और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के DM सर के अंडर में हम लोग पूरी सारी योजनाएं बना रहे और काम कर रहे हैं तो हम लोगों ने इस बार चुनाव में चुनाव मित्र बनाने का प्लान किया है, कि हमारी टीम तो स्वीप की टीम काम कर रही है, उसमें सारे अधिकारी भी जुड़े हैं, चाहे DIS हो, उच्च शिक्षा अधिकारी हो, हमारे आकाशवाणी दूरदर्शन सभी जुड़े हैं,
सब अपना रोल निभा रहे हैं, लेकिन कुछ पब्लिक होती है वो चाहती करना कि हम कुछ करना चाहते हैं निष्पक्ष रूप से इलेक्शन कमीशन के लिए। तो हम लोगों ने स्वीप वाराणसी का फेसबुक पेज रखा है, उसमें आप मैसेंजर में जा करके अपना लिख सकते हैं कि मैं जुड़ना चाहता हूँ, या स्वीप ट्विटर है, ट्विटर पर भी आप कर सकते हैं, और नोडल NODAL स्वीप वाराणसी SWEEP वाराणसी @gmail.com हमारा मेल आईडी है। आप मेल करके भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि हम आपके अभियान से जुड़ सकते हैं। अगर आपको ये ऐसे यहाँ से रिस्पांस नहीं समझ में आता है तो आप इलेक्शन ऑफिस में भी जा करके फर्स्ट फ्लोर पे विकास भवन में हमारा ऑफिस है, वहाँ भी अपना नाम और आईडी दे सकते हैं कि हम आपके जागरूकता अभियान में अपनी भूमिका निष्पक्ष रूप से बिना किसी दल के सपोर्ट के हम एक भारतीय नागरिक होने के रूप में हम वोटर्स को घर से निकालने का आपको सहयोग करेंगे। तो उन लोगों को हम लोग जोड़ने का प्लान किए हैं और बहुत से लोग जुड़ रहे हैं और जरूरी भी है, बहुत सारी संस्थाएं आ रही हैं और संस्थाओं ने भी बहुत अच्छा रोल किया इस बार। संस्थाओं ने ऐसे जगहों पे जाने का सहयोग किया है जहाँ पे पिछले साल वोटिंग परसेंटेज कम था। अच्छा। तो एक एक संस्था को हम वी आर प्लानिंग कि एटलीस्ट एक विधानसभा में हम लोग 10 से 15 ऐसे बूथ की लिस्ट बना करके उन लोगों को दे रहे हैं कि आप उस एरिया में जाइए और कारण जानिए क्यों लोगों ने वोट नहीं दिया। इस बार हम वोट के लिए नहीं प्रेशर डालने वाले हैं कि आप वोट देने जाओ वोट देने जाओ, ये तो एक जब तक हमारा नैतिकता हमारी नैतिक भावना नहीं होगी आप तब तक घर से उस दिन लाभ कोई चाहे आप नहीं निकल सकते। कोई ना कोई बहाना होगा कि हम नहा रहे खा रहे बर्तन धुल रहे या हमारा ये काम आ गया या हम सो गए हमको लेट हो गया। जब तक आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से नहीं समझ में आएगी, जब तक वो एहसास आपके अंदर खुद नहीं जागेगा, तो इस बार हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इतने मतदाताओं ने 10 लाख मतदाताओं ने वोट क्यों नहीं दिया। 10 लाख मतदाता, 28 लाख कुछ मतदाता हैं और हमारे सिर्फ 16 लाख के आसपास लोगों ने वोट दिया। आखिर वो 10 लाख मतदाता क्यों सोए थे बनारस में, ये जानने का प्रयास कर रहा है। और ये आप बात कर रही है वाराणसी जनपद, ये डिस्ट्रिक्ट वाराणसी डिस्ट्रिक्ट का है। 28 लाख सम कुछ हजार 4 हजार ऐसे करके कुछ मतदाता हमारे हैं और 16 लाखों ने सिर्फ वोटिंग किया। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए सीधे 10 लाख लोगों ने 10 लाख लोग घर से नहीं निकले। तो मैं यही उनसे पूछना चाहती हूँ आखिर रीजन क्या था, आप क्यों सोए थे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम का सलूशन आप इलेक्शन ऑफिस में फर्स्ट फ्लोर पे आके आप पूछ सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है कि आपका आप मतदान आप वोटर है ऑलरेडी आपका नाम, हम ऐसे मतदाता की बात कर रहे हैं जिनका नाम ऑलरेडी वोटर लिस्ट में है। जी जी बिल्कुल, जो वोटर नहीं बने वो तो अदर थिंग है, अभी और वोटर वो बाकी बात है। जो वोटर है 10 लाख में उनकी बात कर रही हूँ, उन्होंने आपकी नैतिक भावना आपका दिमाग आपका दिल आपकी देशभक्ति की भावना सोई क्यों रह गई, क्यों नहीं निकले वो 10 लाख लोग। तो उनका ठीक है 10 लाख लोगों में मान लीजिए 3-4 हजार का नाम नहीं मिला होगा, बाकी लोगों को तो नाम मिला होगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो उनसे मेरा यही कहना है कि आप सोइए मत, आप अपने आप को जगाइए और उस दिन एक महात्योहार देश का त्योहार है उस दिन निकलिए वोट जरूर करिए। और 5 साल में आपको एक मौका भी मिल रहा है और एक सेटिस्फेक्शन भी मिलता है ना। हम किसी को गाली देते हैं कि फलाना सरकार अच्छी नहीं है सब चोर है, क्यों बोलते हैं जब हम वोट नहीं देने तो हमको कोई राइट ही नहीं बोलने का। जब आपने जब आप वोट देंगे तो अपने प्रत्याशी से आप लड़ सकते हैं, प्रत्याशी के पास भी जाएंगे कि भैया फलाना हमारा ये काम है ये कर दीजिए या मेरा ये काम नहीं सहयोग कर दीजिए, तो वो सबसे पहले वो पूछेगा कि भैया आपने वोट किया था, आप कौन सा मुंह दिखाएंगे। जब आप वोट देंगे तो बोलेंगे हाँ हम आपको चुन के लाए हैं तो आप मेरा सपोर्ट। नीलू जी ये बातें बड़ी अच्छी लगी मुझे। मैं अब आपसे चाहूंगी कि अब क्योंकि हमारे पास समय की भी किल्लत है और हमें इसको जल्दी से खत्म करना है। मैं आपसे चाहूंगी कि आप 2 मिनट में आप क्या अपील अपने देशवासियों से करना चाहेंगी। सबसे पहला मेरा अपील है सभी भारत के नागरिक या वाराणसी जनपद के जो हमारे वोटर्स हैं कि 19 मई को वाराणसी जनपद में हमारा मतदान होना है। आप निर्भीक होकर बिना किसी दबाव में बिना किसी लालच में बिना किसी द्वेष भावना के एक राष्ट्र की भावना लेते हुए 19 मई को घर से निकले और मतदान अवश्य करें। और उन युवाओं से भी मेरा अपील है जिनकी उम्र 1 जनवरी 2019 को 18 साल हो गई है, अगर आप वोटर अभी नहीं बने हैं तो NVSP नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल पे आप फॉर्म 6 भरें और एक जागरूक मतदाता के रूप में अब क्योंकि इस हम लोग का इस बार का थीम है कि कोई मतदाता छूटे ना, तो आप वोटर बने और वोट दें अपने देश के अपने समाज के अपने डिस्ट्रिक्ट के विकास के लिए वोट जरूर दें।
भाइयों और बहनों, हमने नीलू मिश्रा जी से बहुत ही लंबी बातचीत की मतदाता जागरूकता के ऊपर, और मैं आप लोगों से, उन्होंने एक बहुत अच्छी अपील भी की, और उसी अपील के साथ जुड़ते हुए मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप अपने मतदान करने के अधिकार का इस्तेमाल करें और इस बार आगामी चुनावों में जाके अपना मतदान ज़रूर करें, ताकि आप अपने मन की सरकार को चुन सकें और इस देश के कार्यशीलता में अपना योगदान दे सकें। मैं तो वोट करने ज़रूर जाऊंगी और उम्मीद है आप लोग सब ज़रूर जाएंगे। और यहाँ शो देखने के लिए मैं आप लोग का धन्यवाद करती हूँ। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। थैंक यू।